शाही अजमेर। है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस एड। तो है गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज के स्टेटस आपने स्टार्टिंग के अंदर देख भी लिया होगा गाइस, और यहाँ पे आप साइड में भी देख सकते हो। इसी सॉन्ग पे हम वीडियो एडिट करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था भाई। तो अगर आपको भी कोई सॉन्ग पसंद हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते। आपके सॉन्ग पर भी यार वीडियो आ जाए, क्या पता अगला वीडियो आपके सॉन्ग पर आ जाए, ठीक है। तो गाइस तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस किया तो वो भी कर लेना गाइस। और गाइस इस वीडियो के अंदर हमने जो भी यूज किया, बिटमार्क प्रोजेक्ट और सेक्योर प्रोजेक्ट और फोन वगैरह, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद में यूज़ कैसे करना, इसके लिए वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखते हो तो स्टेप बाई स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलते ही मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को बनाने के लिए आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। अलाइट मोशन का लेटेस्ट मोड वर्जन आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो के अंदर मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, दोनों से कहीं से भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में सबसे पहले ये दो प्रोजेक्ट में रहेंगे, इन दोनों प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर लेना। पहला रहेगा अनएडिटेड बिटमैप प्रोजेक्ट और इधर गाने का नाम रहेगा, ठीक है। और दूसरा रहेगा अनएडिटेड इफेक्ट प्रोजेक्ट रहेगा ये, और इधर गाने का नाम रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर लेना। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले तो आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पे आपको सॉन्ग मिल रहा होगा, और ठीक है ना गाइस, ये सॉन्ग है। बहुत भाई होगी यार, ये सॉन्ग म्यूट हो जाता, तो इसी सॉन्ग का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो जाके ऐड कर लेना या डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में ऐड कर लेना गाइस, ठीक है ना। ऐड करने के बाद अब यहाँ पे आपके लिरिक्स है जो अभी दिख नहीं रहे होंगे गाइस, तो अब आपको करने के होगा यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर आपको एक फोटो ऐड करना होगा। फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, ऑडियो यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना। उसके बाद में यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका बैकग्राउंड फोटो है, ठीक है। तो ये वाला बैकग्राउंड फोटो रहेगा गाइस, इस फोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना। जिस भी फोटो पर क्लिक करोगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद प्लस पे क्लिक करोगे ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। फोटो यहाँ पे आने के बाद इस फोटो को स्क्रॉल करके इस प्रकार से होल्ड करके रखना और नीचे लाके रख देना, तो ये देख सकते हो गाइस लिरिक्स दिखने लग जाएगा। और लिरिक्स कहाँ तक है गाइस? सो गाइस यहाँ तक आपके लिरिक्स है 4.5 सेकंड से, ठीक 4.5 सेकंड तक, ठीक है लिरिक्स है। तो इसी अब आपको इसी का क्या करना है, जो फोटो ली है अभी आप बैकग्राउंड के अंदर, इसी फोटो पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ तक आ जाएगी गाइस, जो देख सकते हो गाइस। अब आपकी फोटो देखोगे तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर लिरिक्स वगैरह दिखने लग जाएंगे। इनका लिरिक्स का भी आपको फ़ॉन्ट चेंज कर लेना। फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना मैं तरीका बता देता हूँ गाइस। सबसे पहले इसी लिरिक्स पे क्लिक करना, उसके बाद डबल एटेक्स पे क्लिक करना, ऊपर चले जाना और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये वाला फ़ॉन्ट रख लेना। इस फ़ॉन्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो डाउनलोड कर लेना इस वाले फ़ॉन्ट को, ठीक है। तो गाइस ये वाला फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर लोगे गाइस, ठीक है। अब यहाँ तक काम आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये दो लिरिक्स रहेंगे गाइस इंग्लिश के अंदर, ठीक है, एक और दो। उसके बाद में दो रहेंगे हिंदी के अंदर, ठीक है ठीक है। इनका फिर फ़ॉन्ट आपको चेंज कर लेना। इसी लिरिक्स पे क्लिक करेंगे, डबल एटेक्स पे क्लिक करके ऊपर चले जाना और ये वाला फ़ॉन्ट रख लेना इसके अंदर। इस फ़ॉन्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, इसको भी डाउनलोड कर लेना और ऐड कर लेना गाइस, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे आप लिरिक्स वगैरह मतलब चेंज कर लोगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको फोटो ऐड कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे आना गाइस, यहाँ पे एक ये दिख रहा होगा लेयर, ठीक है ना, इसके अंदर आपको एक फोटो ऐड करना होगा गाइस। तो गाइस क्या करना होगा, इसी लेयर पे आपको क्लिक करना। उसके बाद में यहाँ पे कलर एंड फिल पे क्लिक करना और यहाँ पे स्टार वाले आइकन पे क्लिक करना और यहाँ पे एक फोटो ऐड कर लेना, जो भी आपको अच्छी लगे। फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अभी ये फोटो आ गई। आने के बाद में फिर से आपको इसी फोटो पे आपको क्लिक करना। उसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडो पे क्लिक करके ये शेडो रहेगा, स्टॉक रहेगा गाइस, स्टॉक को यहाँ पे ऑन कर देना गाइस। अब आपका वीडियो देखोगे ये फोटो कुछ इस प्रकार से आएगा गाइस, जो देख सकते हो गाइस, कुछ इस प्रकार से इसके अंदर एक इफेक्ट आएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ तक का काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। उसके बाद में यहाँ पे बिटमार्क दिख रहे होंगे आपको एंड तक, यहाँ पे आपको फोटो ऐड करना होगा, तो ठीक है। फोटो कैसे ऐड करना आपको सभी को आती है, तो एक फोटो ऐड करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले 4.5 सेकंड पे आ जाना, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना, उसके बाद मीडिया पे क्लिक कर लेना और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो, ठीक है। तो यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद में फोटो ऐड करना है। जो भी फोटो ऐड करना तो यहाँ पे आप फोटो पे क्लिक करोगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद प्लस पे क्लिक करोगे तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अभी इस फोटो को फुल स्क्रीन करना तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक करोगे, फोटो का साइज फुल हो जाएगा। उसके बाद इस वाला आइकन पे 2 बार क्लिक करेंगे और अगले बिट 1 पे आ जाएगा। उसके बाद इस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो भी यहाँ तक आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको एंड तक फोटो ऐड कर लेना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सभी फोटो ऐड करके फिर बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो ओके गाइस, यहाँ से लेके और मैंने एंड तक फोटो ऐड कर लिए गाइस, जो देख सकते हो गाइस। इस प्रकार से आपको भी फोटो ऐड कर लेना गाइस। तो अब मैंने फोटो ऐड कर लिए। अब इन फोटो के अंदर आपको इफेक्ट लगाना, और ये जितने भी फोटो है गाइस, ये फोटो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब इस फोटो के अंदर आपको इफेक्ट ऐड करना होगा गाइस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाना गाइस, देखिएगा मैं बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट वाली फोटो कहाँ पे आ रही है, वहाँ पे आ जाना। तो सबसे फर्स्ट वाली फोटो यहाँ पे आ रही है गाइस, देखिए यहाँ पे 4.5 सेकंड पे आ रही है। अब ये वाली फोटो आ रही है सबसे फर्स्ट वाली, ठीक है। अब इस फोटो के अंदर आपको कौन से इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से आपको बैक जाना और यहाँ से इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक जाना, उसके बाद में यहाँ से बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है, वहाँ पे चले जाना गाइस, 4.5 सेकंड पे आ जाना। उसके बाद सबसे फर्स्ट वाली फोटो ये रही गाइस, ठीक है। इसी फोटो पे आप क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद अगली फोटो पे जाना है, अगली फोटो फिर से क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना गाइस, ठीक है। इन दोनों फोटो के अंदर आपको इफेक्ट लग जाएगा। इफेक्ट लग गया। उसके बाद में अगली फोटो ये वाली आ रही है। अभी इसके अंदर भी एक इफेक्ट लगाना है, तो इसके अंदर आपने पहले ही इफेक्ट मतलब फोटो ऐड कर रखी थी, केवल इसके अंदर एक इफेक्ट और ऐड करना होगा। तो यहाँ से आपको फिर से बैक जाना और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और यहाँ पे आपकी सेकंड वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक जाना और इफेक्ट वाले बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। फिर से आपको इस फोटो पे आ जाना गाइस, जो 3 नंबर वाली फोटो है, ठीक है ना गाइस। तो इस फोटो पे आना, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद आगे जाना, आगे जाने के बाद ये वाली फोटो मिलेगी गाइस, जो टाइमिंग देख लो 9.21 सेकंड पे ये वाली फोटो आ रही है। अब इस फोटो के कौन से इफेक्ट लगेगा गाइस, तो यहाँ से आपको बैक जाना और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और यहाँ से आपको आ जाना 3 नंबर वाली फोटो पे। 3 नंबर वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना गाइस और बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको चले जाना गाइस, यहाँ पे आ जाना है, ये वाली यहाँ पे आ जाना गाइस 9.21 सेकंड पे, और ये वाली फोटो मिल रही होगी गाइस। फोटो पे आपको क्लिक करना होगा, इफेक्ट पे क्लिक करना है। उसके अंदर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, ठीक है। और ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना, तो देखिए गाइस 9.21 सेकंड से लेके और ये गाइस यहाँ तक आपको ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेना गाइस, इस जगह तक, ठीक है, इस फोटो तक, ठीक है ना गाइस। तो इस फोटो तक ये वाला इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना, इस बीट मार तक, ठीक है। टाइमिंग भी देख लो गाइस 17.3 सेकंड, ठीक है। इस फोटो तक आपको ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेना। उसके बाद ये वाली फोटो मिल रही होगी गाइस। अब इसके अंदर भी आपको एक इफेक्ट ऐड करना होगा, तो यहाँ से आपको फिर से बैक जाना और टाइमिंग भी देख लो गाइस, टाइमिंग रखे 17.3 सेकंड, ठीक है। तो ये वाली फोटो रहेगी, ये वाली, ठीक। तो यहाँ से आपको फिर से बैक जाना और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना और यहाँ पे चले जाना गाइस, ये वाली फोटो रहेगी 4 नंबर वाली, ठीक है। 4 नंबर वाली फोटो पे आपको क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक जाना गाइस और बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो मैं टाइमिंग बताया हूँ गाइस, उस जगह चले जाना गाइस 17.3 सेकंड पे चले जाना गाइस, ठीक है। तो 17.3 सेकंड पे आ गए गाइस, ये वाली फोटो मिल रही है गाइस, ठीक है ना, ये वाली फोटो मिल रही है। तो इसी फोटो पर क्लिक करना और फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस। कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है गाइस। और एक इफेक्ट और इसमें मैनुअली ऐड करेंगे ना, तो इसी फोटो पे आपको क्लिक करना और उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर पे जाएंगे और इसमें क्लिक करना, इस वाले पे, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफर पे जाएंगे, पहले इस फोटो को इस प्रकार से इधर रख लेंगे गाइस, इसको इधर रख लेना है, इधर इस जगह, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे एक प्लस दे देंगे पहले, और उसके बाद में यहाँ पे एंड के अंदर चले जाना है और एंड के अंदर जाना है और यहाँ से फिर से एक प्लस देना है और उसके बाद तो स्क्रॉल करके इस फोटो को इधर लेना होगा गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर एक मैनुअली इफेक्ट लग जाएगा गाइस, जो कुछ इस प्रकार से आएगा, जो देख सकते हो गाइस, कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, मैनुअली। उसके बाद में ये वाली फोटो आ रही गाइस, जो टाइमिंग देख लो 18.27 सेकंड पे ये वाली फोटो आ रही। तो यहाँ से आपको फिर से बैक जाना और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाना गाइस, 5 नंबर वाली फोटो ये वाली है। फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना गाइस और बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे आ जाना गाइस, इस फोटो पे जो टाइमिंग बता दूंगा अभी आपको गाइस, इस फोटो पे आ जाना। आपको टाइमिंग देख लो गाइस 18.27 सेकंड पे आ जाना और ये वाली फोटो मिलेगी। फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस। और ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो तक लगाना, वो टाइमिंग देख लो 18.27 सेकंड से लेकर और गाइस यहाँ तक इस बीट मार तक जितनी फोटो आ रही है गाइस 24. 14 सेकंड इस फोटो तक जितनी फोटो आ रही है यहाँ तक आपको ये इफेक्ट पेस्ट कर देना गाइस, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे आगे आने के बाद ये वाली फोटो मिल रही होगी गाइस, जो टाइमिंग देख लो 24.14 सेकंड पे आ रही है वाली फोटो, ठीक। तो यहाँ से आपको फिर से बैक जाना और यहाँ से इफेक्ट जो को ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको चले जाना गाइस 6 नंबर वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना है, कॉपी देखो। उसके बाद यहाँ से आपको बैक जाना और बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, और ओपन करने के बाद जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे आ जाना है आपको इस टाइमिंग पे जो अभी मैं बता दूंगा। तो देख टाइमिंग देख लो गाइस 24.14 सेकंड, ठीक है। ये वाली फोटो आ रही है, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना। तो इसके अंदर भी इफेक्ट लग जाएगा गाइस, जो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा गाइस। उसके बाद ये वाले आगे आना है, आगे आने के बाद 26.9 सेकंड पे ये वाली फोटो मिल रही होगी। अब इस फोटो के अंदर आपको कौन से इफेक्ट लगाना है, यहाँ से आपको बैक जाना है और इफेक्ट प्रीव्यू को ओपन कर लेना और यहाँ पर चले जाना लास्ट वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना गाइस, ठीक है, और बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, और जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना गाइस। तो यहाँ पे आ जाना गाइस, इस टाइमिंग पे आ जाना भाई गाइस। 26.9 सेकंड पे फोटो मिल रही है, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना। तो इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, और ये इफेक्ट आपको लास्ट इस फोटो तक, आपको इस बीट मार्क तक जितनी फोटो आ रही है यहाँ तक आपको इफेक्ट लगा देना है, ठीक है ना गाइस, जो आपने मैंने बता दिया गाइस इस बीट मार्क से, ठीक है। तो 26.9 सेकंड से लेकर लास्ट फोटो तक, ठीक है, ये वाला इफेक्ट लगा देना लास्ट वाला। तो अब आपका फाइनली गाइस इफेक्ट कंप्लीट हो गया गाइस। अब उसके बाद में आपको स्टार्टिंग के अंदर आ जाना है और यहाँ से आपको एक फोटो ऐड करना होगा ताकि स्टार्टिंग के अंदर आपको फोटो दिखेगी, ठीक है। तो फोटो ऐड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आ जाना, फिर से प्लस पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना और इसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, ठीक है ना। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लिया गाइस और ये वाली फोटो आपको ऐड कर लेना। फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में गाइस आपको चले जाना 1 सेकंड के ऊपर, ठीक है, 1 सेकंड पे चले जाना गाइस, ठीक है। तो ठीक है ना गाइस, 1 सेकंड पे आ गए। उसके बाद जो पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काटना है, इस प्रकार से आपको पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट काट देना गाइस। तो अब आपकी फोटो 1 सेकंड के लिए कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है ना। उसके बाद में आपकी वीडियो स्टार्ट होने लग जाएगी, ठीक है गाइस। और उसके बाद अब आपको लोगो ऐड करना है, तो स्टार्टिंग के अंदर आ जाना, फिर से लोगो ऐड करने के लिए उसके बाद प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से आपको लोगों को फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस। तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। तो देखिए गाइस मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये वाला लोगो मेरे को ऐड करना, तो लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे, ये लोगो यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि साइज़ कम करनी है इस लोगो की, तो मूव एंड ट्रांसफर पे जाएंगे, साइज़ पे क्लिक करेंगे, इसकी साइज़ यहाँ से आपको थोड़ी सी कम कर लेनी है। आप अपने हिसाब से जो भी साइज़ रखना चाहते हैं वो गाइस यहाँ से आप साइज़ रख सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पे 850 साइज़ रख रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। तो मैं यहाँ पे 850 साइज़ यहाँ पे रख लिए गाइस, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए गाइस यहाँ पे, और उसके बाद में इसके यहाँ पे जहाँ पे भी आप इसको सेट करना चाहते हो वहाँ पे आप इसको सेट कर देना गाइस। और उसके बाद में ये लेयर यहाँ तक ही गाइस, इसको एंड तक करना होगा, तो एंड के अंदर चले जाना और इसी लोगो वाले लेयर पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो लोगो का लेयर एंड तक आ जाएगा। फाइनल गाइस आपका वीडियो कंप्लीटली बन चुका है। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद वीडियो पे सेलेक्ट करना, उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पे रेजुलेशन सेलेक्ट कर लेना गाइस, जो भी आपके फ़ोन में सपोर्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 1080 सपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे 1080 से एक सेलेक्ट कर लिया गाइस। उसके बाद में यहाँ से इसको फुल कर देना, क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी को फुल करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ये वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 100% एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद सेव का बटन आएगा, सेव के बटन पे क्लिक कर देना, आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी गाइस।